हेलो एवरीवन, मैं आपको रीता आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेविगेशन ड्रॉअर में रिवॉर्डेड एड्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो रिवॉर्डेड एड्स को नेविगेशन ड्रॉअर में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी होता है, बट मैं जो आपको वीडियो के कंटेंट में बताने वाला हूँ, मीन्स वीडियो में जो बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना है। अगर आप इजीली अच्छे से उसको फॉलो करोगे तो आप नेविगेशन ड्रॉअर में रिवॉर्डेड एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। नेविगेशन ड्रॉअर में रिवॉर्डेड एड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नेविगेशन ड्रॉअर क्रिएट करना है। मैं नेविगेशन ड्रॉअर के प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। जैसे ही आप आ जाओगे आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना है। जैसे मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन कर देता हूँ, आपके सामने जो सेकेंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल को, मुझे इसमें क्लिक करना होगा। जैसे आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्लिक करोगे आपको डिपेंडेंसी में आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्रोम में चला जाता हूँ एंड ब्राउजर में जाके हमें सर्च करना होगा रिवॉर्डेड एड्स। जैसे हम रिवॉर्डेड एड्स सर्च कर देते आपके सामने कुछ यूआरएल्स ओपन हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है रिवॉर्डेड एड्स एंड्रॉइड गूगल डेवलपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इसमें क्लिक करते तो आपके सामने गूगल एडमोब का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले गाइड्स के नीचे जो गेट स्टार्टेड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा या फिर गेट स्टार्टेड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड जो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें ब्राउजर में जाना है एंड इसे स्क्रोल करना है एंड जो आपको मेटा डेटा दिखाई दे रहा है इसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है। तो मैं कंट्रोल सी से मेटा डेटा को कॉपी करता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके जो आपको मैनिफेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना होगा एंड जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्टिविटी, इसके नीचे हमें मेटा डेटा को पेस्ट करना होगा एंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐप आईडी XXYYY आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं सैंपल ऐप आईडी को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड आपको पैकेज नेम के नीचे कुछ परमिशन एंटर करना होगा, यूजेस परमिशन इंटरनेट, सेम यूजेस परमिशन नेटवर्क स्टेट, अगेन यूजेस परमिशन एक्सेस वाईफाई स्टेट, यूजेस परमिशन ऐड करने के बाद आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। जो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, इन दोनों भी पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल सिंक फिनिश इन 47 सेकेंड, अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो हमें सबसे पहले जावा को ओपन करना होगा एंड इन डॉट आइडियल कोडर जो भी हमारा पैकेज नेम है इस पर क्लिक करना होगा एंड मेन एक्टिविटी को ओपन करना होगा। हमें सबसे पहले ब्राउजर में जाना होगा एंड रिवॉर्डेड एड्स जो एड फॉर्मेट में रिवॉर्डेड एड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम रिवॉर्डेड एड्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने रिवॉर्डेड एड्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड जो यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करना होगा। मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा एंड पूरे कोड को हमें कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से। अगेन प्रोजेक्ट में जाना होगा एंड ड्रॉवर लेआउट के नीचे हमें पेस्ट करना होगा। अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा, आपको जो इफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां से आपको कोड कॉपी करना होगा एल्स तक, जो एल्स तक पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है
वहां तक आपको कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से, एंड जहां भी आपको रिवॉर्डेड एड शो करना है वहां पे ई पेल्स को पेस्ट करना होगा। सपोज मुझे जैसे हम शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मुझे रिवॉर्डेड एड शो करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कोड को कॉपी किया था इफ एल्स के कंडीशन को, एंड सेम जब हम रेट ऐप पे क्लिक करेंगे तब भी मुझे रिवॉर्डेड एड्स को शो करना है, इसलिए मैं यहाँ पे भी कोड को पेस्ट कर देता हूँ, एंड सेम मोर एप्स पे भी। बट यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहे हैं, तो एरर रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अल्ट एंटर प्रेस करना होगा। मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ। अगर सपोज आपको इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन दिखाई देगा तो आप एंटर कर दीजिए। सब पे आपको सिर्फ अल्ट एंटर प्रेस करते जाना है एंड इंपोर्ट क्लास करते जाना है। आप देख सकते हो जो भी हमारे ऊपर के एरर थे वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुके हैं। मैं भी नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड जो हमने मोर में इफ एंड एल्स की कंडीशन अप्लाई की थी यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं, तो मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड इंपोर्ट क्लास अगेन सेम अल्ट एंटर एंड अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। आप देख सकते हो हमारे कंप्लीटली एरर रिजॉल्व हो गए हैं, बट यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। तो एरर इसलिए है क्योंकि आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जिस भी आप एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए एंड डॉट दिस लगा दीजिए, एंड यहाँ पे इस सिंबल का यूज कीजिए। मैं सभी जगह यूज कर देता हूँ इस सिंबल को एंड शेयर में भी यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा एरर कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। मैं अपने डिवाइस को अभी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारा कंप्लीटली वर्क अभी हो चुका है कोडिंग पार्ट में। अभी मैं सबको क्लोज कर देता हूँ एंड अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमें मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश। अभी थोड़ी देर में हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा हमारे मोबाइल डिवाइस में। तो आप देख सकते हो हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा मोबाइल डिवाइस में कम्प्लीटली ऐप लॉन्च हो चुका है। तो हम सबसे पहले इस जो डॉट दिखाई दे रहा है नेविगेशन ड्रॉवर का, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे हम मेन एक्टिविटी को ओपन कर देते हैं। मेन एक्टिविटी को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो मैंने शेयर पे यहाँ पे कोड कॉपी एंड पेस्ट किया था। जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिवॉर्डेड एड शो होने लग जाएगा। तो मैं आपको शेयर पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया आपके सामने यहाँ पे रिवॉर्डेड एड शो होने लग चुका है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड रिवॉर्डेड एड्स को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप नेविगेशन ड्रॉवर में रिवॉर्डेड एड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि नेविगेशन ड्रॉवर में रिवॉर्डेड एड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।